हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनतेरस के दिन पूजा के लिए कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है, पूजा की क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, इसके साथ साथ धनतेरस पूजन की विधि क्या है, पूजा में किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए और पूजा कैसे करनी है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। यहाँ पर पूजन की सामग्री की पूरी लिस्ट तैयार की हुई है। लिस्ट के रूप में अगर रहता है तो सामान भूलने का चांसेस कम रहता है। तो पूजा सामग्री की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले माता लक्ष्मी और श्री गणेश की एक साथ विराजमान फोटो हो ऐसी तस्वीर, गंगा जल, चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र, 13 मिट्टी के दिए, 1 पैकेट रुई की बत्तियाँ, पूजा की थाली, सुपारी, यदि उपलब्ध हो तो एक कुबेर यंत्र, पानी से भरा हुआ कलश, मौली या कलावा, 2 बड़े दीपक मिट्टी के, सरसों का तेल, लाल और पीले फूल, फूलों की माला, सिक्का, शक्कर या गुड़ कोई भी एक, जल से भरा हुआ एक पात्र, कपूर, कुमकुम, अक्षत, रोली, अबीर, गुलाल, हल्दी, चंदन, कौड़ी, अक्षत, फल, मिष्ठान, मिठाई कोई, पान का बीड़ा या पान, खील बताशे, धूप, अगरबत्ती, नए बर्तन जो भी आपने धनतेरस पूजा के लिए खरीदे हों, झाड़ू, नई खड़ा धनिया, मूंग, दक्षिणा और पट्टी के नीचे स्वास्थ्य की अल्पना बनाने के लिए आटा या कुमकुम। दोस्तों, इतनी सामग्री हमें चाहिए होती है धनतेरस पूजा के लिए। अब धनतेरस पूजा की विधि क्या है, किस तरह से हमें धनतेरस पूजा करनी चाहिए, किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, वो कुछ इस प्रकार है। सुबह उठकर सबसे पहले साफ वस्त्र धारण करें, नहाकर चौकी लें, चौकी पर लाल कपड़े बिछाएं और चौकी को गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद उस पर भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और नीचे लिखे हुए मंत्र को पढ़कर भगवान धन्वंतरि का आवाहन करें। सत्यम च येन निरत रोगम विधूतम, अन्वेषित च सविधम, आरोग्यम असम गूढ़म निगूढ़म, औषध्य रूपम धन्वंतरिम च सतत प्राणमाम नित्यम। यह मंत्र बोलने के बाद भगवान के समक्ष देशी घी का दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद सभी देवी देवताओं का पूजन करें। आपने जिस भी धातु या बर्तन की खरीदारी की है उसे भी भगवान की प्रतिमा के पास रखें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार लक्ष्मी स्रोत, लक्ष्मी चालीसा, कुबेर स्रोत आदि का पाठ करें। भगवान कुबेर के इस मंत्र का जाप करें, ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य धिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दाप स्वाहा। फिर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और मिठाई का भोग भी लगाएं। इसके बाद भगवान धन्वंतरि को चावल चढ़ाएं, आचमन के लिए जल छोड़ें और भगवान धन्वंतरि को वस्त्र के रूप में मौली चढ़ाएं। भगवान धन्वंतरि पर अबीर, पुष्प, रोली, अन्य सुगंधित चीजें चढ़ाएं। फिर चांदी के बर्तन में खीर रखकर उन्हें भोग लगाएं। अगर चांदी का बर्तन नहीं है तो कोई और बर्तन भी आप स्टील वगैरह का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आचमन के लिए नीचे जल छोड़ें। मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन शंख, पुष्पी, तुलसी आदि पूजनीय औषधियां भगवान धन्वंतरि को जरूर चढ़ाएं। अंत में भगवान धन्वंतरि से रोग नाश की कामना के लिए इस मंत्र का जाप करें, ओम रम रुद्र रोग नाशाय धन्वंतरे फट। भगवान धन्वंतरि को श्रीफल व दक्षिणा जरूर अर्पित करें। अंत में उनकी कर्पूर से आरती करें। इसके साथ ही सभी देवताओं की, जिनकी भी आपने कुबेर, माता लक्ष्मी, इन सबकी भी साथ में आरती करिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी धनतेरस पूजा की सभी सामग्री एक लिस्ट के रूप में और साथ साथ में पूजा की विधि, कैसे पूजा करनी है आपको।